वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। रात्रि के 10 बज चुके हैं और शेड्यूल के अनुसार आज सैटरडे है और सैटरडे को और फ्राइडे को आपकी क्लास होती है फोर्थ सेमेस्टर की। जी हाँ, बिल्कुल, फोर्थ सेमेस्टर की आपकी डीएलएड की क्लास होती है और आपकी क्लास शुरू भी हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से आ जाएं सभी लोग और फिर आपकी क्लास शुरू होती है। आज आपका पहला चैप्टर जिसे आप करड़ी बोलते हैं, जी हाँ, करड़ी का चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग जुड़ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पंकज जी और रवि कश्यप, पूनम पांडे एंड करीम, सभी लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। देखिए, करड़ी क्या होता है, आपने देखा होगा प्रायः बचपन में या बड़े होने पर एक ऐसे चिन्ह बनता है, इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, इसको करड़ी कहा जाता है। वैसे तो करड़ी की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती है, इसे इंग्लिश में रूट कहा जाता है ना। वैसे तो रूट मतलब रास्ता भी होता है, तो इंग्लिश के बारे में ज्यादा जब बात नहीं करेंगे हम, इंग्लिश की बात छोड़िए, हिंदी की बात करते हैं। अगर कहीं इस तरह का लिखा है तो इसमें जो ये चिन्ह लगा है इसको करड़ी का चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करड़ी चिन्ह कहा जाता है। और जो यक्ष है वो क्या है? करड़ीगत पद है। यक्ष को क्या बोलते हैं? करड़ीगत पद बोलते हैं, ठीक है। जो यर लगा होता है उसको करड़ी की घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करड़ी की घात। तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए आप जल्दी से। ये सवाल है आपके सामने, पहला सवाल जो आप लोग देख रहे हैं, ये ऐसे लिखा है, ऐसे अंडर रूट। अब बताइए इसमें करड़ी की घात कितनी है, जल्दी से बताएं करड़ी की घात कितनी है। ये ऑप्शन नंबर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। जल्दी से बताइए करड़ी घात कितनी है। समझ गए होंगे ना, तो इसमें करड़ी घात 7 है, 7, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए फोर्थ सेमेस्टर में ये करड़ी स्टार्टिंग से है इसलिए हम यहीं से चलते हैं। सामान्यतः करड़ी की घात को 2 माना जाता है, अतः ये रूट 7 अगर ऐसे लिखा है तो इसे 2√7 भी लिख लें तो कोई गड़बड़ नहीं, दोनों का मतलब 1 हुआ, ठीक है, क्लियर है। आगे अगर ऐसे लिखा है, यहां आगे 3 है, को करड़ी नहीं है ये। क्यों नहीं है करड़ी? क्योंकि आप जानते हैं जब 8 का हम घनमूल निकालते हैं, मतलब 3 कर देते हैं, तो ये पूरा पूरा 2 आ जाता है। इसमें करड़ी है कहां? फिर कोई करड़ी नहीं है, क्योंकि इसका घनमूल निकालने पे 2 आ जाता है, इसका ठीक ठीक मान जो है 2 प्राप्त हो जाता है, इसलिए क्या है? परिमीय संख्या है। दिस इज अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। अगर इस पे 2 होता, 2 होता तो ये करड़ी थी। क्यों? उस स्थिति में इसका वर्गमूल निकालते, घनमूल नहीं निकालते, और जब हम वर्गमूल निकालते तो ये 2√2 ऐसे कुछ आता लगभग में, फिर ये क्या था? करड़ी था कि नहीं था, ठीक ना। तो याद रखें, अगर ऐसे लिखा है तो ये करड़ी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है और यहां 3 है तो ये करड़ी है नहीं है, सॉरी, ये करड़ी है भाई, ये करड़ी है, क्योंकि इसका मान नहीं निकल रहा है, ये करड़ी नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। देखिए, इसका पूरा पूरा मान निकालते हैं तो 2 आ जाता है, क्योंकि 8 का घनमूल 2 हो जाता है, लेकिन इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल 2√2 आएगा, यानी ये रूट में आ रहा है, अब इसके आगे हल नहीं हो सकता, ये करड़ी है, ये करड़ी नहीं है, समझ गए। तो ये 2 नियम आपने देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और फिर आगे बताते हैं, फटाफट चलते हैं। देखिए मित्रों, आपने करड़ी के बारे में कुछ समझ लिया होगा थोड़ा बहुत, तो आगे अब हम लोग बात करेंगे करड़ी के प्रकार। मुख्यतः जो होता है करड़ी का 2 प्रकार होता है, एक शुद्ध करड़ी और एक मिश्रित करड़ी, ठीक है ना। इसमें हम केवल शुद्ध करड़ी और मिश्रित करड़ी के बारे में ही बात करेंगे, बाकी और कोई भी बात नहीं करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, शुद्ध करड़ी क्या होती है, मिश्रित करड़ी क्या होती है, इसके बारे में हम बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप पिछली क्लास को अच्छे से देख सकते हैं, उसमें सब कुछ क्लियर किया गया है, कमेंट करिएगा नहीं समझ में आएगा तो। ऐसी करड़ी जिसका एक परिमीय गुणनखंड संख्या 1 है, ऐसी करड़ी जिसका एक परिमीय गुणनखंड संख्या जो है वो 1 है,
तथा दूसरा गुणनखंड एक अपरमेय संख्या है वो शुद्ध करणी कहलाती है। ठीक है, जैसे अंडर रूट 42 ये शुद्ध करणी है, इसका अगर आप वर्गमूल करेंगे तो सब अलग अलग नंबर आएगा। देखिए 2, 3, 7 मतलब ये सभी ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, किसी का भी जोड़ा नहीं बनेगा। अशुद्ध करणी क्या होती है? एक ऐसी करणी जिसका परमीय गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य परमीय संख्या है, जबकि अन्य गुणनखंड अपरमीय संख्या होता है वो मिश्रित करणी कहलाती है। जैसे अंडर रूट 18 और 98, अगर आप 98 का गुणनखंड करेंगे तो 2, 7, 7 आएगा, 18 का करेंगे तो 2, 3, 3 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मिश्रित और शुद्ध करणी के बारे में आपने देखा। इसके आगे हम सवाल करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, सब कुछ समझ में आएगा। ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, शुद्ध और मिश्रित करणी आपको फिर से बताया जाएगा, बिल्कुल हैरान नहीं होना है, ये फिर से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना। देखिए मित्रों, प्रयागराज में इंटरनेट की कुछ समस्या चल रही है, जो कि 4 मार्च को जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो हो सकता है ये समस्या जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर जो है दिक्कत हो रही है। तो बस आज 2 मार्च हो गया, 1-2 दिन की और बात है, आप लोगों ने इतना दिन साथ दिया तो 2 दिन और देख लें, फिर उसके बाद आपकी क्लास जो 10 मिनट की होती है ये आपकी क्लास 1 घंटे और 2 घंटे की होगी, बड़ी क्लास होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे। देखिए दूसरा तीसरा चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन ये है, मुद्दा ये है कि क्या ये करणी है या नहीं है, इनमें कौन सा करणी है कौन सा नहीं है, अगर करणी है तो हाँ, नहीं है तो ना। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा करणी है तो आप लिखेंगे क्यू में 2 Q2, अगर है करणी तो P, नहीं तो लिखेंगे Q2 Q। ठीक है, ऐसे कमेंट करेंगे, अगर ये करणी है तो लिखेंगे Q3A, अगर नहीं है तो Q3B। ठीक है, इस तरह का बताएंगे। देखिए हम जानेंगे पहले करणी होता कैसे है या फिर नहीं होता है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है पहले क्वेश्चन का करणी नहीं है, इसमें क्यू वाला सही होगा। क्यों नहीं है करणी? क्योंकि आप जानते हैं जब 49 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये 7 × 7 आता है ना, और जब इसमें 2-2 का जोड़ा बनाते हैं तो 7 आ जाता है। 7 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है? एक परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या है तो ये करणी नहीं होगी, समझ गए ना। अगर करणी होगी तो अपरमीय संख्या आनी चाहिए। अब अगर आपको अपरमीय और परमीय नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि परमीय अपरमीय क्या होता है। अगला सवाल में चले अंडर रूट 81। तो देखिए 81 की बात करते हैं, 81 इसको इधर हल कर लेते हैं। आप 81 का गुणनखंड करके पाएंगे कि 3 × 3 × 3 × 3 होता है। कैसे होता है देखिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं इस सवाल को नहीं हल कर रहा हूं, मैं 81 इसको हल कर रहा हूं तीसरे को, यहां पे जगह होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं इसके। ठीक है, देखिए 81 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा 81 का गुणनखंड कैसे बनेगा। अरे भाई आप सभी लोग जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 से कटेगा ये, 3×9 = 27, 3×3 = 9 और 3×1 = 3। देखिए 4 बार आ रहा है ना 3, 3, जब 4 बार आएगा तो क्या करेंगे, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सवाल है ना आपका, यहाँ पे 3 भी होना चाहिए, 3 भी होगा यहाँ पे, हाँ 3 है इसमें, तो ये करणी है कि नहीं है, ये करणी नहीं है। अगर वहां 3 नहीं होगा तो करणी हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये करणी नहीं है। क्यों? वो सॉरी करणी है, करणी है क्योंकि इसका जो उत्तर आएगा, अगर 3, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1, 3 बाहर निकल जाएगा, 1 अंदर में बचेगा, 3 × √3 ये क्या है, एक अपरमीय संख्या है, अतः ये करणी है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 हटा दें, वर्गमूल निकालें, 2-2 का जोड़ा बनाएं तो 9 आ जाएगा, 9 इज अ रैशनल नंबर, ये परमीय संख्या होगा और फिर ये करणी नहीं होगी, समझ गए ना। अगर यहां 3 लगा है तो ये करणी है, करणी है, अगर यहां 3 नहीं लगा तो ये करणी नहीं है। इस तरह से अगला सवाल देखिए आपका 256 जो दिया गया, उसको देखिए क्या कहता है, 256 देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है,
256 का वर्गमूल निकालिए जरा से, इधर देखिए बनाता हूं 256 के लिए। ऐसे कैसे होगा, दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो दूना चार, दो अठे 16, फिर दो छंग 12, दो चौक 8। अगर आपको ये काटना नहीं आएगा तो बता दीजिएगा तुरंत, ठीक है, आपको बताया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। देखिए 256 पे जो लगा है वो कितना लगा है, तीन लगा है, इस पे भी तीन, यानी कि तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। तो बना लो भाई, ये तीन का जोड़ा बन गया और ये भी तीन का जोड़ा बन गया, दो इसमें बच रहा है, दो का जोड़ा मतलब दो बार दो जो है वो बच रहा है, उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। काटेंगे तो इतना आएगा, ये एक जोड़ी बन गई, ये देखिए दो बन गई और एक ये बच रहा है, यानी देखिए एक जोड़ा बना, ये दो जोड़ा बना, तीन तीन का, एक दो बच रहा है जो, तो ये हो जाएगा दो दूना चार और ये अंडर रूट दो, समझ गए ना। इसके ऊपर जो घात है वो तीन लगेगी अंडर रूट पे। दिस इज अ इरेशनल नंबर, अफर्मीय संख्या, सो इट इज अ रूट, यानी कि ये करड़ी है, समझ गए ना क्या है, ये करड़ी है। अगर कोई और भी सवाल है तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं, हम आपको और भी कुछ सवाल देंगे, उसमें आप लोग बताएंगे करड़ी है कि नहीं है। देखिए कुछ सवाल आपके सामने और आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सामने कई सारे सवाल आ चुके, तो जल्दी से बताइए, पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां का आंसर दीजिए, दसवां भी है आपके सामने। क्या अंडर रूट 144 एक करड़ी है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करके आइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको नहीं आएगा। अब आप लोग काफी समझदार हैं क्योंकि डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। छठवां सवाल, क्या अंडर रूट 21 एक करड़ी है, कमेंट करने का तरीका देखिए। अगर पांचवा में ये करड़ी है तो आप लिखेंगे 5a, ठीक है, 5a लिखेंगे बस। अगर करड़ी नहीं है तो आप लिखेंगे 5b। छठवां में अगर ये करड़ी है तो आप लिखेंगे 6 और है मतलब यानी कि बी, 6b लिखेंगे। अगर करड़ी नहीं है तो ए, यानी कि 6a। इस तरह से सातवां में अगर अंडर रूट 200 एक करड़ी है तो आप लिखेंगे 7a, अगर करड़ी नहीं है तो 7b, मतलब समझ के कैसे कमेंट करना है। इसी तरह से आठवां नौवां और दसवां में भी करना है, सभी में बताना है, जल्दी करें आप लोग, फटाफट नोट कर लें। अगर आपने नहीं लिखा तो क्लास को पीछे करके लिख लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए उसी पे, तुरंत रोकिए और लिखने के बाद आगे बढ़िए। हो गया, लिख लिए, तो अगर आप लिख लिए इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं लिख लिए तो भाई जल्दी करें क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ बिल्कुल, और अगर डेली क्लास चाहते हैं, हर दिन ऑनलाइन लाइव क्लास चाहते हैं, अपना कोर्स वगैरह पूरा करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास को ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगी अनअकैडमी की, और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। अगर आप ये क्लास मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PBR स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगर आप PBR स्टडी पर देख रहे हैं तो मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपके अपने YouTube चैनल PBR स्टडी ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। PBR स्टडी ग्रुप को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आप स्टडी को बहुत आसान और एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी, चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्लास को लाइक करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में PBR स्टडी नाम से सेव करें और इसकी व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहें जिससे कि आप अप टू डेट हो सकें। तो एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा और इस क्लास को कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिएगा। 5 मार्च के बाद महाकुंभ का जो सिस्टम है, ये मेला वगैरह यहाँ खत्म हो जाएगा तो आपका इंटरनेट कुछ तेज चलेगा और फिर आपकी लाइव क्लास होगी 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक। इन बातों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।